हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे वर्ड मीनिंग्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए, पहला है हमारा गो। गो का मतलब होता है, देखिए गाइस, जाना। और एक सेंटेंस बनाए तो इसका बनता है आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम। कम का मतलब होता है आना। और एक सेंटेंस बनाए तो बनेगा ही कम हियर डेली, ही कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज आता है। नेक्स्ट हमारा ईट। ईट का मतलब होता है गाइस खाना। और एक सेंटेंस बनाए तो बनेगा वी ईट पिज्ज़ा, हम पिज्ज़ा खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले। प्ले का मतलब होता है गाइस खेलना। और खेलने के साथ में एक सेंटेंस बनाए तो दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। एक सेंटेंस बनाए तो बनेगा पापा डांस, पापा डांसेस इन द वेडिंग या पार्टी, पापा डांस में वेडिंग पार्टी में नाचते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। और सेंटेंस बनाएंगे ही इज रनिंग ऑन द रोड, वह रोड पर दौड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। सेंटेंस बनाएं तो आई कांट जंप फ्रॉम द रूफ, मैं छत से नहीं कूद सकता। नेक्स्ट है हमारा फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। अमन विल फाइट विद यू, अमन तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा या लड़ेगा। नेक्स्ट हमारा स्पीक। स्पीक का मतलब होता है स्पीक का मतलब है बोलना, जैसे दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सिट। सिट का मतलब होता है बैठना, जैसे वी विल सिट दिस चेयर, हम इस चेयर पर बैठेंगे। ओके गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं यही जैसे बना हुआ है तो वो भी मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, जैसे कि किसी से मिलना या जुलना, जैसे आई एम मीटिंग हर टुडे, मैं आज उससे मिल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा मोप। मोप का मतलब होता है पोंछा या पोंछा लगाना, हम दोनों ही मोप यू बोलते हैं, जैसे यू आर मोपिंग द फ्लोर, तुम पोंछा लगा रहे हो, तुम पोंछा लगा रहे हो। नेक्स्ट हमारा स्वीप। स्वीप स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना या सफाई करना नीचे फर्श की, तो उसको हम बना सकते हैं ही वॉज स्वीपिंग द फ्लोर, वह सफाई लगा रहा है या झाड़ू लगा रहा है। नेक्स्ट है टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना, जैसे माय फादर टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स, मेरे जो पापा हैं वो पॉलिटिक्स के या राजनीति के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है वॉक। वॉक का मतलब होता है गाइस चलना या टहलना, जैसे शी इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड पर चल रही है या टहल रही है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी का मतलब होता है देखना, जैसे आई हैव सीन द ताज, मतलब मैं ताज देख चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफर। ऑफ़र का मतलब होता है नमाज पढ़ना या कुछ चीज़ें ऑफ़र भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑफ़र को नमाज के साथ में यूज़ करेंगे, दे विल ऑफ़र नमाज, वे नमाज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वियर। वियर का मतलब होता है पहनना, कोई भी चीज़ पहनना, तो हम बोलते हैं आई वियर टी शर्ट इन समर, आई वियर टी शर्ट समर, या टी शर्ट्स की जो समर की जो टी शर्ट्स होती हैं वो वाली हल्की कपड़े कॉटन वाली। नेक्स्ट ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, जैसे ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। नेक्स्ट हमारा सही। सही का मतलब होता है कहना या कुछ बोलना, तो यू हैव सैड, तुम बोल चुके हो। ओके गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट है गाइस हमारा डू। डू का मतलब होता है काम करना या कोई काम, जैसे आई डू माई वर्क एट नाइट, अपना जो काम है वो मैं रात में करता हूँ या रात को करता हूँ। नेक्स्ट हमारा इच। इच का जो हमारा वर्ड है वो है गाइस इच हमारा होता है खुजाने या खुजलाने के लिए, जैसे आर यू इचिंग, इसके नाम से एक लोशन भी आता है जिसे इच गार्ड बोलते हैं, जैसा अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो इसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बाय। बाय का मतलब होता है कोई भी चीज़ खरीदना, जैसे ही इज़ बाइंग कार, वह कार खरीद रहा है। नेक्स्ट हमारा सेल। सेल सेल का मतलब होता है कुछ भी चीज़ बेचना, जैसे आई एम सेलिंग माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन बेच रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, लाइक असाइनमेंट्स बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, चाय बनाना, सो हम यूज़ करेंगे चाय के साथ में। सो आई एम सॉरी शी इज़ मेकिंग टी, वह चाय बना रही है। ओके प्लीज, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना या टीवी देखना या फ़ोन देखना, ठीक है।
आ बेबी वॉज वॉचिंग टीवी, एक बेबी एक बच्चा टीवी देख रहा था। नेक्स्ट हमारा ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चलाना। ऑपरेट हम कंप्यूटर और फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो हम बोल सकते हैं दे विल ऑपरेट मोबाइल, वो फ़ोन चलाएगा। नेक्स्ट हमारा राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, जैसे सना इज़ राइटिंग अ लेटर, सना एक लेटर लिख रही है या पत्र लिख रही है। नेक्स्ट हमारा कुक, कुक का मतलब होता है बनाना, जैसे कि यू आर कुकिंग फूड, तुम खाना बना रहे हो। नेक्स्ट हमारा थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, जैसे वी आर थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। उसका मीनिंग है आपका नो, के एन ओ डब्ल्यू। हाँ, नो का मतलब होता है जानना, जैसे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। नेक्स्ट है हमारा पॉलिश, पॉलिश का मतलब होता है जूते पॉलिश करना या कोई भी चीज़ को पॉलिश करना, जैसे विल यू पॉलिश योर शूज़, क्या तुम अपने जूते पॉलिश करोगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना, जैसे आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। नेक्स्ट हमारा टीच, टीच तो हर कोई जानता है, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। यू कैन टीच मैथ्स, तुम मैथ पढ़ा सकते हो, इसके साथ में सेंटेंस बना। नेक्स्ट हमारा रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और जैसे कि यू कैन रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। गाइस मैं आपको बता दूँ, ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाले ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, जैसे ही कुड फ्लाई इन द स्काई, वह आसमान में उड़ सकता था। ही कुड फ्लाई इन द स्काई, वह आसमान में उड़ सकता था। गाइस ये है नीड, के एन ई ए डी, नीड, इसका मतलब होता है आटा गूंथना, जैसे माई मॉम कैन नीड द डो, मेरी जो मामा है वो आटा गूंथ सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैकबाइट, बैकबाइट का मतलब होता है बुराई करना, किसी की बुराई करना, आलोचना करना, जैसे कि आई डोंट बैकबाइट, मतलब मैं कभी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज़, अब्यूज़ आप सभी जानते हैं, गाली देना, गाली देना बोले तो ही डजंट अब्यूज़, वह गाली नहीं देता। नेक्स्ट है हमारा टेल, टेल का मतलब है बोलना, जैसे डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रफल, रफल का मतलब होता है बालों में हाथ मारना या कुछ ऐसे ही करना। माई मॉम रफल्स माई हेयर, मेरी माम जो है वो मेरे बालों में हाथ मारती है। नेक्स्ट है कॉम, कॉम का मतलब भी बालों से रिलेटेड है, कॉम का मतलब होता है बालों में कंघी करना या कंघा करना। ठीक है गाइस, माई मॉम डजंट कॉम माई हेयर्स, मेरी जो माँ है वो मेरी बालों में कंघा नहीं लगाती या कंघा नहीं करती। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, सीखना बोले तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आप सभी सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट है लिसन टू, लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, जैसे कि डू यू लिसन टू म्यूज़िक, और यहाँ पर टू इसलिए लगाया क्योंकि हम हमेशा लिसन के साथ में टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आयरन, आयरन का मतलब होता है प्रेस करना, जैसे डज योर ब्रदर आयरन द क्लोथ्स, क्या तुम्हारा भाई प्रेस अपने कपड़े प्रेस करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना या छुपना, जैसे आई डोंट हाइड ट्रुथ, मैं सच नहीं छुपाता, आई डोंट हाइड ट्रुथ, मैं सच नहीं छिपाता। नेक्स्ट हमारा पे, पे का मतलब होता है पे करना, जैसे यू नेवर पे मनी, तुम कभी बिल पे नहीं करते या तुम कभी पैसे पे नहीं करते। गेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पाना, जैसे कि, लेकिन हम गेट यहाँ पर कुछ अलग तरीके से यूज़ करेंगे, एक दिन हम गेट के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। ही वॉन्ट्स टू गेट हेयर कट, वो अपने बाल कटवाना चाहता है, खुद नहीं काटना चाहता, कटवाना चाहता है। जब भी कोई हम किसी से घर आते तो गेट का यूज़ भी करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, जैसे कि आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात नहीं सो सका या नहीं सो सकता था, दोनों ही सेंसेस के निकल के आ रहे हैं। आई कुडंट, आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। नेक्स्ट है हमारा स्टे, आई नेवर स्टे इन होटल, मैं कभी होटल में नहीं रुकता, मैं हमेशा अपने घर रुकता हूँ, मतलब मैं कभी होटल में नहीं रुकता। नेक्स्ट वर्ड की तरफ गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्ले और कम, इन दोनों के साथ में आप मुझे सेंटेंस बना के दिखाएंगे, कमेंट में बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितना सीखा है, और आप मुझसे इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।